नया चैनल लाया तो बड़े लोगों के सवाल उठे, तो चलिए आज उन सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के सवाल को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है वो किया है स्टडी पीरियड के मुझे लवारसों की तरह क्यों फेंका जाता है। तो जो पहला सवाल है वो किया है वजीद हसन ने। यहाँ पर मेरा मोबाइल मौजूद है जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया। सबसे पहले किया है वजीद हसन ने सवाल। उन्होंने कहा है कि भाई आपने जी सी टी वी की तरह चैनल का नाम क्यों रखा। भाई जी सी टी वी ने जो चैनल का नाम रखा था ठीक है, मैं उनसे प्रमोट हुआ, मैंने जी रिमान टी वी व्लॉगिंग चैनल बनाया, लेकिन मेरा पहला चैनल का नाम था रिमान टी वी। अब मैंने दी आगे लगा दिया तो कोई मैंने नाम चेंज नहीं किया। वैसे भी व्लॉगिंग चैनल्स जो होते हैं उनके नाम अक्सर यही होते हैं। रिमान टी वी मेरा अपना नाम है तो अपना नाम हर कोई रख सकता है। दूसरा सवाल है जमील की तरफ से क्या नाम है। उन्होंने कहा है कि भाई आपने 100 सब्सक्राइबर्स की शर्त क्यों रखी है व्लॉग नंबर 1 के लिए। पहले तो मैं अंडे जो 0 व्लॉग्स हैं, अंडे यानी कि व्लॉग, वो मैं बनाता रहूँगा, वो मैं जो है ख़त्म नहीं करूँगा, वो मैं व्लॉग्स बनाता रहूँगा। लेकिन जब व्लॉग नंबर 1 जो हम व्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे वो 100 सब्सक्राइबर्स से ही करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, पक गया था यूट्यूब चैनल पर मेरे इंडियो पर काम करके, और सक्सेस आपके सामने ही है। अच्छे से चेक प्रोवाइड कर लो फिर भी इतने कम व्यूज़। मैंने व्लॉगिंग चैनल ही स्टार्ट करना है और मैंने अब इस पर वक्त दिल लगा के करना है, इसलिए हमारे 100 सब्सक्राइबर की शर्त रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1 या 2 या 3 दिन में, ज़्यादा 5 दिन लगेंगे, हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स पे चले जाएंगे। आप अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप अभी बैठे बैठे यार मुझे शेयर करें वीडियो को, हो जाएंगे ठीक है। तो जो है अगला तीसरा क्वेश्चन वो ये है कि भाई आपने व्लॉगिंग चैनल क्यों स्टार्ट किया। मिस्टर टेक्निकल ट्यूटोरियल्स से आपने टेक क्यों सिखाना छोड़ दिया। यार मुझे टेक तो मेरी फील्ड है लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल 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 मज़ा नहीं आ रहा था, वो ग्रो ही नहीं हो रहा था। जैसे अब आप मिसाल लो टेक्निकल हंगामा की, उसने भी अब इन्फ्लुएंस क्रिएटर अपना चैनल चेंज कर लिया है, क्योंकि यार जो टेक चैनल होते हैं ना तुक्के सर ही चलते हैं। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने टेक चैनल आ रही हैं, अब देखें इन्फ्लुएंस क्रिएटर को अब कितनी ज़्यादा वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको कामयाबी दी है, देखो कितनी ज़्यादा उनको वो मिल रही है सक्सेस। उन्होंने इन्फ्लुएंस क्रिएटर बनाया है, NTS प्रिपरेशन वगैरह के जो उन्होंने बताए हैं तरीके, उनको इतनी सक्सेस मिली है, आप देखें उनको व्यूअर्स कितने ज़्यादा है। तो आप उनको सब्सक्राइब करें, वो NTS का बहुत अच्छा एग्जामिनेशन देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं खुद देखता हूँ उनकी वीडियोस, लाइक करता हूँ, शेयर करता हूँ, कमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये है वजीद सानी की तरफ से। वो कुछ तो यहाँ पर जो है मोबाइल उसमें जो है वो फॉल्ट आ रहा है। चौथा क्वेश्चन है वजीद सानी की तरफ से, व्लॉगिंग चैनल पे ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। ऑफकोर्स मुझे व्लॉगिंग चैनल पे मज़ा आता है, क्योंकि उसमें तो बाकी ज़्यादा 152 वीडियोस मैंने भेजे के यूज़ करके बनाई, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाँचवा क्वेश्चन, अब पाँचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। उसने कहा है कि अगर आपको व्लॉगिंग चैनल्स पर सक्सेस जो है वो मिल जाए तो आप क्या करोगे। भाई हर किसी को पता है कि मैं व्लॉगिंग चैनल पे सक्सेस जो है वो हासिल करके अपने आप का मतलब जैसे DCDVG क्या करता है, बाकी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मैं वही करूँगा जो मैं कर व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करके कर दूँ। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन किया था। जो छठा क्वेश्चन है वो कुछ इस बारे में है कि भाई हमने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। बहुत से लोग ये बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं व्लॉग नंबर 1 पे बताना चाहता था मेरी लाइफ के बारे में, लेकिन थोड़ी सी हिंट देता हूँ। बहुत से लोग आते हैं यूट्यूब पर पैसा कमाने, लेकिन मेरी वो नेचर नहीं थी। मैं चाहता था मैं मशहूर हूँ, मुझे लोग देखें। जैसे जुबैर चुनौती, मैं प्रमोट जुबैर चुनौती से हुआ था, मैं कहता था जैसे जुबैर चुनौती को लोग देते हैं वैसे मुझे भी देखें और मैं भी एक मशहूर यूट्यूबर बनूँ, लेकिन वो मेरा ख्वाब जो है अभी पूरा नहीं हो रहा। उस जुबैर चुनौती ने फिर अपनी किसी वीडियोज़ में बताया था कि मैंने 3-4 चैनल ग्रो की है, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली, फिर भी मैं लगा रहा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है। मैंने भी कहा ब्लॉगिंग चैनल नहीं चलेगा तो फिर मैं यूट्यूब गेमिंग की दुनिया में एंटर हूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या अर्न है। लेकिन अभी अर्न नहीं, पॉलिसी निकल रही है यूट्यूब की, कोई कॉपीराइट क्लेम्स और ये जो है ना पॉलिसी निकली है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी स्लाइडिंग शोज वगैरह, उसमें मैं अर्निंग नहीं आएगी, यूट्यूब पर हमें क्लेम्स आते रहेंगे। दैट्स वे अभी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब उस बारे में क्या करती है, क्योंकि एक तो चैनल था एलिमेंट गेम्स, उसका तो मुझे पता है ना पक्का कि उसने बंद हो जाना, क्योंकि वो WWE की स्लाइडिंग शो बनाता है। तो अब जो है बात की जाए आठवें क्वेश्चन की, तो आठवां क्वेश्चन थोड़ा अजीब ही है, अजीब राइटिंग में लिखा हुआ है।
आपको सब्सक्राइबर्स कहाँ से मिल रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर्स कहाँ से मिल रहे हैं भाई? पब्लिक से मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं? व्हाट्सएप जीबी बनाकर अपना चैनल शेयर करो। व्हाट्सएप जीबी मैं नहीं यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप जीबी, लेकिन मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, मैं जीबी नहीं यूज़ ज़्यादा करता यार। उसमें सब फॉर सब जो होते हैं ना, वो पर मिनट वगैरह नहीं होते, वो क्या करते हैं हफ्ते बाद अपना सारा क्लीन करते हैं, सारा कुछ करते हैं और मज़ा नहीं आता। फजूल किस्म की वीडियोज़ वगैरह भी आती रहती हैं उनमें, तो मैं नहीं यूज़ करता। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ आ रही है। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आज के, तो चलिए आज इस कमाल व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं।